पता है हम ना कोई भी जब आइटम खरीदने को जाते हैं तब वो किस कंट्री के कंपनी का है और कौन से कंट्री में बना है, ये बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पर हमारे बाइंग डिसीजन और परसेप्शन को डिफाइन करता है। अगर कोई टोयोटा की गाड़ी है तो जापानीज टेक्नोलॉजी, रिलायबिलिटी, ये सारी चीजें जो है दिमाग में आती है। जर्मन टेक्नोलॉजी का बहुत नाम है, यूएस इनोवेशन का बहुत नाम है। लेकिन भारत के अंदर इशू ये है कि हमारे देश के अंदर आज कई ऐसी चीजें बनती है जो हम पीक कह सकते हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज के अंदर, वहां पर अपना योगदान देती है। बोइंग एयरबस के अंदर भारत में बने हुए पार्ट्स है, टेस्ला के अंदर एक भारतीय होम ग्रोन कंपनी के बड़े लेवल के कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं, ज्यादातर डिजाइनिंग मैकेनिज्म्स जो है और जो सॉफ्टवेयर्स है वो भारत के अंदर बनते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर आप कोई भी प्रोडक्ट आज के डेट में इंडियन ओरिजिन के साथ में अगर बेचने को जाओगे फॉरेन कंट्रीज में, तो बहुत मुश्किल होता है वहां के लोगों को उसे कंज्यूम करने के लिए। वो ये समझेंगे कि ये लो क्वालिटी होगा, एफर्ट्स इसके अंदर होंगे नहीं ढंग से, टेक्नोलॉजिकली वीक होगा। और प्रॉब्लम ये आ गई है कि इसके वजह से हमारी कंपनीज ट्रूली ग्लोबल होने के लिए दिक्कतें फेस करती है। ऐसा नहीं है कि हमारे पे सब कुछ एकदम हाई क्लास है, दिक्कत है हमारी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अंदर, लेकिन वो जो दिक्कतें हैं वो ओवरशैडो कर देती है हमारे एक्सीलेंसेस को। और इसीलिए देश के इतिहास में पहली बार टाटा सन्स, टीवीएस मोटर कंपनी, सन फार्मा, मदरसन ग्रुप, भारत फोर्ज, बोइंग इंडिया, बायोकॉन, इन जैसे बड़े बड़े नाम साथ में मिलकर आए हैं और इन्होंने फॉर्म किया है एक कंसोर्टियम जिसका नाम है इंडियन फाउंडेशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट या IFQM, और जो हमारा सेक्शन 8 है फॉर नॉन प्रॉफिट कंपनी उसके अंतर्गत इसे रजिस्टर किया है। और दोस्तों ये एक हिस्टोरिक चीज है, क्यों मैं आपको समझाता हूँ। देखो जो मेक इन इंडिया का ग्लोबल ब्रांड इमेज है वो कहीं ना कहीं पर छुपा हुआ है। एक मॉडर्न प्रोडक्ट के अंदर के कंपोनेंट्स हो सकता है भारत में बने हो, लेकिन फिर प्रोडक्ट को अगर बाहर से लेबल कर दिया जाए कि भारत में बना है तो लोगों के परसेप्शन, इवन बिजनेस के परसेप्शन उसके लिए ठीक नहीं है। इस चीज को चेंज करने का काम ये कंसोर्टियम करेगी। अब ये कैसे, ब्रांडिंग के जरिए नहीं, बल्कि हमारे देश के अंदर जो एक्चुअल रियल इश्यूज है उसको सॉल्व करके अपनी पावर को प्रूव करके चीजें करेगी। बेसिकली एक कंसोर्टियम करेगी ये कि जो बिजनेस लीडर्स है उनको लेटेस्ट नॉलेज और जो टूल्स है क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर उसमें मदद प्रोवाइड कराएगी। जो ग्लोबल एक्सपर्ट्स है उनसे पर्सनलाइज गाइडेंस प्रोवाइड करने का काम करेगी अलग अलग कंपनीज को। साथ साथ जो शेयरिंग होती है अलग अलग टेक्नोलॉजी की, कोलैबोरेशन होती है अलग अलग इंडस्ट्री लीडर्स के बीच में, वो भी यहाँ पर फैसिलिटेट की जाएगी। यहाँ पर मेजरली इसकी वजह से होगा ये कि हमारे देश के अंदर आज जो इशू आता है क्वालिटी कंट्रोल का या ग्लोबल लेवल पे क्या चीजें चल रही है वो समझ में नहीं आने का, वो इस वजह से सॉर्ट होगा। और ये कंसोर्टियम इस चीज को फैसिलिटेट करेगी। यहाँ पे जो इंडस्ट्री और एकेडमिया है उसके बीच में जो गैप है उसको ब्रिज करने का काम भी करेगी, ताकि नया कोई अगर इंसान आए कोई जॉब में इंडस्ट्री में तो उसे प्रॉपरली वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स पे तुरंत लाया जा सके। वैसे दोस्तों ये ऐसे कोई रिस्ट्रिक्टेड क्लब नहीं बनाया गया है, ये तो फर्स्ट फाउंडिंग मेंबर्स है, हो सकता है आगे जाकर यहाँ पे और लोग जुड़े। अब इसका असर क्या होगा, भारत में जो कल्चर ऑफ क्वालिटी है इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में वो यहाँ पर हमें इसके कारण इंप्रूव होते हुए नजर आएगी। अगर सब लोग मिलकर काम करें और ऐसे लोग जिनको इन चीजों के अंदर एक्सपर्टीज हासिल है वो बाकियों के साथ में चीजें शेयर करें, तो हमें देश के अंदर एक डेवलपमेंट जो है इन चीजों का वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को देखते हुए डिजाइन होता हुआ नजर आएगा। स्लोली जैसे हमारी कंपनीज आज बड़ी हो रही है, देश के अंदर सैचुरेट हो चुकी है और बाहरी देशों के अंदर इंडियन ब्रांड्स को ले जाएगी। मैं ये नहीं बोल रहा कि इंडियन कंपनीज की प्रेजेंस आज बाहर के देशों में नहीं है, है बहुत बड़े लेवल पे है, लेकिन इंडियन नाम के ब्रांड के अंतर्गत कोई चीज अगर लेके जानी है तो वो परसेप्शन जो बाहरी कंपनीज के अंदर है वो चेंज होगा। एक जमाने में मेड इन चाइना हम बहुत ही ज्यादा गलत तरीके से इस्तेमाल करते थे, कहते थे कि एकदम लो क्वालिटी शाम तक नहीं चलेगा, वैसी चीजों का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब पूरी दुनिया ये समझ चुकी है कि मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना हमेशा लो क्वालिटी नहीं होता। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस ये कहीं ना कहीं वेस्टर्न सोसाइटी से भी आगे निकल चुके हैं और कई बड़ी ब्रांड्स है, वो हुआवे हो, DJI हो, ये सब जो है ग्लोबल लेवल पे रिस्पेक्टेड है और ये चीजें इंडियन कंपनीज को आगे जाके मदद करेगी। कहीं ना कहीं पे जरूरत इन चीजों को साथ में ले आने की जो हो चुका है। देखते हैं आने वाले कुछ सालों के अंदर ये चीजें एक्जैक्टली ग्राउंड लेवल पे किस तरीके का इफेक्ट ले आती है। आपको इसके बारे में क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलेंगे अगली वीडियो में।